नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो आप ये क्रिया कर रहे हैं, हाँ, ये क्या है और क्या इसकी विशेषता है सर? ये गाय के गोबर का लेप है, इसमें मिट्टी मिलाई है और अच्छा। थोड़ा सा फेविकोल मिला है। फेविकोल इसलिए ताकि ये लंबे समय तक गिरे ना। अच्छा। और गाय के गोबर की विशेषता है, पहले हमारे घरों में गाय के गोबर का लेप होता था, उसका वैज्ञानिक कारण था कि गाय के गोबर में पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन की मात्रा सभी से ज्यादा होती है, और अगर ऑक्सीजन घर में रहेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा से ही कोई व्यक्ति बीमार होता है, और जिस घर में ऑक्सीजन की मात्रा होगी तो रोगी कोई भी मनुष्य बीमारी नहीं होगा। इस करके हम ये गाय के गोबर से लिपाई कर रहे हैं, और गौ माता के महत्व को समझा जाए तो आजकल हर घर में गाय के गोबर की लिपाई करनी चाहिए, एक कमरे में तो जरूर। सर, इसमें क्या क्या मिलाया हमने? इसमें गाय का गोबर है, चिकनी मिट्टी है, और मुल्तानी मिट्टी है, और थोड़ा फेविकोल है। अच्छा, फेविकोल चिपकाने के लिए मिलाया है। हाँ। अगर मान लो फेविकोल में केमिकल होता है, उसको ना मिला के हम क्या मिला सकते हैं जो बिल्कुल ही पूर्णतया वैदिक हो जाए? तो वैसे भी चिपक जाती है, करते हैं घर में माता। अच्छा, लेकिन वो जल्दी उतर जाती है फिर? हाँ, वो जल्दी उतर जाती है। अच्छा, सिर्फ थोड़ा लंबे समय चलाने के लिए हमने फेविकोल मिलाया है, अन्यथा हम बिना फेविकोल के भी कर सकते हैं, वो और भी अच्छी रहेगी। और एक खास बात और इसकी, गाय का गोबर हानिकारक जो बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं उनको रोकता है और हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी, मैंने सुना है कि जो हम गाय का गोबर हम दीवारों पे लगाते हैं तो वो पोल्यूशन को भी सोख लेता है। हाँ, हाँ, ऐसा है क्या? हाँ, ये पोल्यूशन मुक्त है, ये वातावरण की शुद्धि नहीं, जो छोटे छोटे धूल कण होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, ये ऐसा वाकई में सत्य है क्या? सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आप इस कमरे में रह के देखोगे और बाहर किसी सीमेंट की लिपाई वाले कमरे में रह के देखोगे, आपको खुद महसूस हो जाएगा ये कितना अलग है उनसे। दोस्तों, आज के दिन इस आधुनिक जीवन में जहां पर रेडिएशन का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आधुनिकता के कारण जो टावर्स हैं या फिर वाईफाई नेटवर्क हैं, उनकी वजह से रेडिएशन का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए हमें अपने घरों पे दीवारों पे ये गाय के गोबर और मिट्टी का अगर हम लेप करते हैं तो घर में एक एंटी रेडिएशन नेटवर्क रेडी हो जाएगा, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसका लाभ ये मिलेगा कि जो किरणें आपके शरीर के हानिकारक किरणें जो आपके शरीर के आर पार निकल जाती हैं, वो इस घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और आपका शरीर उनके दुष्प्रभाव से भी बचा रहेगा। इसका एक और महत्व है, आपने कभी देखा होगा कि आजकल जो छोटी छोटी गोरैया चिड़िया थी शहरों में, वो चिड़ियाएं कम हो गई हैं, लेकिन जहां कहीं हम रेडिएशन से दूर जाते हैं तो वहां पर उन चिड़ियाओं का जाल, और वो हमें आज भी देखने को मिलता है, वो बहुतायत में वहां पर चहचहाती हुई नजर आती हैं। तो इसीलिए हमें ये रेडिएशन, एंटी रेडिएशन अपने घर में लगाना चाहिए ताकि हमारा शरीर उनसे बचा रहे और स्वस्थ रहे। इसकी एक और महत्व है, ये गाय का गोबर अगर हम अपने दीवारों पर लेप करते हैं तो जब कभी भी घर में छोटे मोटे धूल के कण बढ़ जाते हैं तो जब ये दीवार सूख जाती है तो सिर्फ एक गिलास पानी हम इस दीवार पर डालेंगे तो वो सभी धूल के कणों को सोख कर अपने अंदर समा लेगा।